सालों की मशक्कत के बाद केरल के चावल खाने वाले शौकीन बिगड़ैल हाथी अरिकुम्बन को पकड़ लिया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, यह अरिकुम्बन है जो महीनों से वन विभाग के अधिकारियों को चकमा दे रहे थे। इन्हें चावल इतने पसंद है कि वो चावल खाने के लिए जंगल से निकलकर किसी भी घर दुकान में घुस जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। इस हाथी ने चावल और अन्य अनाज के लिए राशन की दुकानों पर कई बार छापा मारा है। ये हाथी चावल और राशन की दुकानों में घुसकर कई बस्तियों में कहर बरपा चुका है, जिसकी वजह से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और अरिकुम्बन को पकड़ने के लिए केरल वन विभाग ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया। महीनों तक इसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। जैसे ही वन विभाग के अधिकारियों को हाथी के लोकेशन के बारे में पता चला तो पूरी टीम हाथी को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए जंगल पहुँच गयी। हाथी के नाम पर रखा गया ये मिशन अरिकुम्बन शनिवार सुबह 4 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला। हाथी को पकड़कर पेरियार टाइगर रिजर्व में ले जाया गया है और फिर उसे जंगल के अंदर 20 किलोमीटर गहराई में छोड़ दिया गया। जब हाथी को पकड़ने का मिशन चल रहा था तो कोमिली शहर में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया था। शैतान हाथी अरिकुम्बन को पकड़ना आसान काम नहीं था। उसे पकड़ने के लिए वन विभाग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पिछले महीने हाथी को पकड़ने के लिए राशन की दुकानों को तैयार किया गया ताकि हाथी चावल खाने आए और उसे पकड़ लिया जाए। वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी को लुभाने के लिए एक डमी राशन की दुकान तक खड़ी कर दी, लेकिन कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। पशु चिकित्सक और सर्जन डॉक्टर अरुण जिक्रिया के नेतृत्व में 150 वन अधिकारियों की टीम ने अंत में मायावी हाथी का पता लगाने के बाद 5 ट्रैंक्विलाइजर शॉट्स के साथ हाथी को बेहोश कर दिया, जिसके बाद इसे लॉरी में लाद दिया गया। अब हाथी को GPS कॉलर लगा दिया गया है और उसे पेरियार रिजर्व के जंगलों में गहराई में छोड़ दिया गया है। लेकिन अरिकुम्बन की चावल को लेकर दीवानगी को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि वो कितने दिन जंगल में चावल खाने से दूर रह पाएगा।